शक्ति स्त्री रूपी होती है, पुरुष रूपी कोई शक्ति नहीं। ठीक है, उन्होंने बोला जी पर बताइए कैसा, उन्होंने कहा लक्ष्मी संसार जिससे चलता है वो स्त्री रूपी विद्या, जिससे आपके ज्ञान में चक्षु अंधकार सब दूर होता है, सरस्वती वो भी स्त्री रूपी, गंगा जल से जीवन चलेगा वो भी स्त्री रूपी, जन्म देने वाली माँ वो भी स्त्री रूपी, अन्न देने वाली पृथ्वी माता वो भी स्त्री रूपी, और विनाश करने वाली अग्नि माता वो भी स्त्री रूपी। बोले भोलेनाथ जी जो संसार में जीने वाली शक्ति आप उनको छोड़ दो, पर आप जीना शुरू कर दो मेरे बिना। बोला आप जो नाम लिखते हैं शिव, उसमें ईदी मात्र लगे, स्त्रीलिंग लगा है उसके ऊपर, क्या लगा, इकार छोटी की मात्र लगी है, पर उस मात्रा को हटा दो, हम मेरी शक्ति को छोड़ दो, उस मात्रा को हटा दो अपने नाम के ऊपर से, क्या रह जाएगा, सब सब रह जाएगा ना, सब काम लोग क्या करते फूक देते हैं, और जो राख होती है उसको भी प्रवाहित कर देते हैं, तो बिना विवाह करे जीवन मुर्दे के समान है, ऐसा हम संसार में पागल नहीं है, हम संसार में जी किस लिए आए, हम संसार को बढ़ावा देने के लिए आए, उन वंश गोत्र की वृद्धि करने के लिए, अगर ये संसार को सर्जन नहीं करोगे इसलिए, संत तो मैं उसको मानूंगा जो किसी चीज की लालसाई ना करे, मोह माया ना करे, इनको दे ये भैया बैठे, भाई बाबा तो सबसे शेठ होते हैं, क्या पूछ रही है ये पति परमेश्वर, तीर्थ वस्त्र व्रत तप यज्ञ यद किन्नरम पुर्याते तदर्थं मामांगमाया सदात चित्तम, अभी तक का संबंधी भी आए, सबने भोजन भी कर लिया, बोली 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 राम से राम से, कितनी लात मार दिया, फेरे भी फिर दिए, पंडित जी मंत्र बोल दिया, और अभी भी आपकी धर्म पत्नी दाहिने साइड बैठी है, कहाँ बैठी है, हेलो हाँ अपने सिंदूर और मंगल सूत्र में आपके विवाह को मिली ना, ठीक ठीक, उसने शर्त रखी, वचन मांग रहे हैं क्या, जो भी बोला आप आज के बात करोगे क्या, तीर्थ यात्रा में जाओगे तो मुझे साथ लेके भी जाओगे, कोई व्रत पूजन पाठन यज्ञ करो घर में तो मेरी भी पूर्ण सहमति दोगे, है पर बाबा ने मैं क्या चित्ता नहीं, अगर बोले मना है आपकी तरफ से तो बोले मैं अपने दाहिने साइड में ठीक हूँ, मंजूर है, पताश पकड़ के आगे चिता है, एक इधर इधर एक वचन है परमेश्वर, आज के बाद आप पुण्य करोगे मैं 100% की भागी होंगी, लेकिन जो अधर्म करोगे उसके मैं 1% की भागी भी नहीं होंगी, अगर आप पूजा यज्ञ करोगे तो मैं आपके दाहिने साइड में आऊंगी, हर आशीर्वाद लेने के लिए बाएं में चले जाऊंगी, क्या यज्ञ या पितृ कार्य आप हवन भी करोगे घर में तभी मुझे, मेरे बिना आपकी आहुति पूर्ण नहीं होगी, भगवान को भी स्वीकार नहीं होगी, क्यों तो आपका संस्कार हो गया, इसलिए मैं हव्य प्रदान हव्य प्रदान आपके बिना बामांग माया, इसलिए मैं आपको मेरी मंजूर है शर्त, जो भी यज्ञ दान पुण्य तीर्थ व्रत तप यज्ञ क्रिया जो भी करोगे उसमें मुझे पूर्ण भागी बनाओ, मंजूर है, जो खर्चा करेगा कुछ नहीं पड़ेगा, पहले तीसरे तो खर्चा रहता है, सदा उत्तम आया पूछ रहे क्या, हे पति परमेश्वर आज तक बोला आपके जो सखा थे सखिया थी संबंधित थे उनसे बोले मुझे कोई मतलब नहीं, आज के बाद बोले मैं आपकी सखा लगेगी लगेगी और मैं आपके संबंधी हूँ, क्या मेरी बोला पूर्णता के द्वारा मान सम्मान करना, आज से उपरांत बोला आपके पास क्या धन था दौलत था उससे मुझे कोई मतलब नहीं, आज के बाद 1 रुपया भी लाओगे तो मुझे बताना पड़ेगा, कहीं चोरी करके तो नहीं लाए, कहीं अकबंद करके तो नहीं लाए, क्या
धर्मम प्रक्षति, जो धर्म का बल पर आप धन लाओगे उससे मुझे कोई हर्जा नहीं है। हकबंद का घर में दरबे लाओगे तो उससे मुझे हर्ज होगा, उससे मेरी संतान भी खाएगी, मेरे सास ससुर भी खाएंगे, मेरे कुटुंब भी खाएगा, मेरे परिवार, मेरे सका संबंधी भी खाएंगे, मुझे तकलीफ होगी। क्या होगी? तो ऐसा आप नहीं करेंगे, मंजूर है? सती आ रही मेरी तो। अब चौथे में आ जाओ, बोले भूमिम तदत्त देवालयम तदानम सुमोधनः एतम चकुपाव्यापि भूमि मोली 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 गाड़ी घोड़ा कर दी फिट कोई बात नहीं, जैसा सोदे फिट हो गए कुछ भी करो मेरी सेवा के, मेरी सेवा के लोगे मुझे जरूर पूछोगे, पूछो चवड़ी तो इधर कुत्ता याद रखिए, उठे आदमी हम रखिए हर गवाह हमें अनंत कार्य अनंत कार्य तो मैंने मंजूर है आगे करते हैं। हां एतत कार्य आप देखो देशांत भवन आपके घर में नई नवेली है, मैंने आपके घर के रीति जानती हूँ, रिवाज जानती हूँ, नातेदारों को जानती हूँ, रिश्तेदारों को जानती हूँ, मेरे से अगर कोई भूल भी हो जाती है तो मुझे सबके सामने नहीं डांटोगे, मुझे अपने घर के नियम कायदा बताओगे, सब चीज की ट्रेनिंग होती है, पहले कोई विभाग होता है उसमें ट्रेनिंग करवाते हैं, डायरेक्ट उसको डांटते मारते नहीं है, उसको पहले नीति धर्म धर्म सिखाएंगे, अपने घर के संस्कार रीति रिवाज सब सिखाएंगे, हैं कि हमारा खजाना है, यह हमारे सका संबंधी है, मेरी भूमि है, मेरी गाड़ी है, मेरे पिता है, मेरे मामा है, मेरे चाचा है, अब तुम किसी को बताओगे नहीं तो क्या जानेगी किस सामने घूंघट करना है, किसके सामने नहीं करना है, बताना पड़ेगा संस्कार है। चतुम पाव में कहती हूँ मंजूर है उनके सामने वाला मेरा पूर्ण मान सम्मान करना और उनका भी पूर्ण मान सम्मान करना, उनको भूखा प्यासा नहीं भेजना, क्या चाहे बोला आपको किसी प्रकार से कार्य करके जो है सामने मेरी पूर्ण लाज बनती रखना। क्या पूछ रही है? आपकी धन दौलत ऐश्वर्य कामना सिद्धंत लोकार्थ जन्म, मेरे जो बोले सका संबंधी आएंगे चाचा ताऊ फूफा मामा बेटा काका जो भी, उनका भी बोला आप पूर्ण मान सम्मान करोगे। छठा वचन में इकट्ठा कर दो, सप्तम वचन में है कन्या पूछती है कि सेवान्यम प्रतिकल्पाते नमः भोजनम पितृत्यागते नमः, हे पति परमेश्वर आज के बाद वाला बिना और अनावश्यकता के बाहर नहीं रहोगे, मैं बल तब तक भोजन नहीं करूंगी जब तक आप घर नहीं होंगे, देशांत काले आप बोले किसी व्यापार के लिए कार्य के लिए क्षेत्र के लिए विदेश जाओ, कहीं घूमने जाओ, भ्रमण करने जाओ, लेकिन मेरा पूरा ख्याल रखना पड़ेगा, पूरा मान सम्मान रखना पड़ेगा और मेरी बार बार शुद्ध आपको लेनी पड़ेगी, मंजूर है? देखो भाई देवी सातों वचन मान लिए अग्नि ब्राह्मण सदा संबंधी को सबको साक्षी मान कर, साक्षी मतलब प्रत्यक्ष हर कलयुग केवल जो देवता है अग्नि सर्वप्रबल देवता माने जाते हैं क्योंकि प्रमाण है, अग्नि का काम है भस्म करना तो करी नहीं, बोले अब तुम्हें तेरी बारी आ गई, अब उन्होंने सात वचन पूछ लिया, बर्क एक ही वचन कितना उन्होंने सात क्वेश्चन करे अरुण के ही ऐसे सौ बल सुनार के लिए मदीय चित्ताम पतिवत धर्मम कुरियात पालम नतांत लोका, क्या बोला हे वामांगनी हे अर्धांगनी आज से बोले मैं आपसे प्रवचन करता हूँ कि मेरी जो घर की दीवार होती है ना चौकट उसको बिना पूछे नहीं लांगोगे, लांगोगे बिना आज्ञा लांगी थी किसी ने, सती माता ने लांग दी थी और पिता का भी यज्ञ भस्म कर दिया और अपने आप भस्म हो गए और सब राज पाठ चाहिए सब पति पता धर्म मेरे घर में मैंने जो रुका सुखा उसी में आपको जीवन यापन करना, ऐसे नहीं कि मैं आज 1 लाख रुपए कमा के लाऊंगा उसको आप राजी करो
आपको भविष्य तक सोचनी पड़ेगी, मेरे सका संबंधियों तक सोचनी पड़ेगी। जहाँ पर चार पुरुष बैठे वहाँ बिना वजह नहीं जाना, हंसी मखोली करते हुए नहीं जाना है। पतिव्रता धर्मम पालते नमा, मैं अगर कार्य क्षेत्र से जाता हूँ तो पतिव्रता धर्म का भी पालन करना पड़ेगा। मेरे सका संबंधियों को भी पूर्ण मान सम्मान करना पड़ेगा है। मदि यदा कार्यम तदा सुखम पर धर्मार्थ लाभम बहुपुत्र दाम च, पर मैं आपको बस अपने कुटुंब और परिवार की क्या वंश और गोत्र की वृद्धि करने के लिए ले जा रहा हूँ। आपका बड़ा आचरण और आपका आसन से मेरा कुल और वंश मंजूर है, मिटा दो। सुनो भैया, दोनों हाथ पकड़ लो, पीठ नहीं दिखाना है और स्थान चेंज कर लो। आमने सामने हो गए, यूं घूम लो, ये कुर्सी धोई में खड़े हो, ये कुर्सी धोई नीचे भाई। ऐसे साइड में